चलो देखे अपना देश इट इज नाउ माई प्रिविलेज टू रिक्वेस्ट हिज एक्सीलेंसी प्रोफेसर गणेशी लाल गवर्नर ऑफ ओडिशा टू एड्रेस गैदरिंग जय प्रभु जगन्नाथ मंच को सुशोभित कर रहे हैं श्रीयत्त देव आशीष पटनायक जी डॉक्टर आशीष चिस, अशान चिष्ठी जी डॉक्टर सौग्निक चौधरी जी संजय कुमार जैना जी और जिनकी प्रेरणा से शायद ये कार्यक्रम चल रहा है प्रकाश साहू जी एंड दी एक्सीलेंस एंड दी एमिनेंस ब्रिलियंस एंड एलिगेंस ऑफ दिस टूरिज्म डिपार्टमेंट समस्तन को मोर प्रणाम चलो देखें अपना देश बहुत पहले अपने देश में चाइना से हुआन सुआंग आए थे काफी वर्ष रहे लिटरेचर कलेक्ट किया अभी अभी बहुत देर नहीं हुई है चाइना के सर्वे सरवा जीपिंग भी आए मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उनको हिंदुस्तान का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस बाहुबली लेकर गए कृष्ण का मक्खन भी खिलाया और अर्जुन का गांडी भी दिखाया वास्को डे भारत आए कहते हैं जब भारत से लौटे पुर्तगाल में इतना शराब पी गई कि वो शराब नालियों में बह रही थी कि हमारे देश का एक आदमी हिंदुस्तान जाकर आया है बाबर भारत में आया बाबरनामा में लिखता है बाबर कि मुझे अगर ये पता होता कि भारत के लोग इस प्रकार से पकवान खाते हैं तो मैं दुनिया को कभी का विजय प्राप्त कर लिया होता फ्रांस से अल्फासा नाम की लड़की इधर आई बेटी जिसको हम श्री मां करकर पुकारते हैं वो कहते हैं पेरिस में, में मेरा बॉडी है लेकिन सोल मेरा भारत में है इंग्लैंड से भगनी निवेदिता बन गई मार्गरेट नोबेल आकर यहां स्टालिन रूस उसकी बेटी श्वेत लेना भी यहां पर गंगा के किनारे पर झोपड़ी बना के रहना पसंद करती है आचार्य रघुवीर एक बार दुनिया के देशों में गए तो सब लोग उनको छू छू कर जरा टच कर कर जाने लगे तो आचार्य रघुवीर ने अपने साथियों को कहा मुझसे कुछ भूल हो गई क्या जो सब लोग हमको धक्का मार कर जा रहे हैं उन्होंने कहा नहीं आपको छू कर अपने आप को पवित्र करने के लिए छू रहे हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि जो भी मेरे टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे वो भारत की चेतना संस्कृति और अध्यात्म और आस्था के शिखर को चूमने वाले होने चाहिए। इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 15 थीम बेस्ड सर्किट्स का आयोजन करने जा रहे हैं एक रामायण सर्किट होगा मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा एक बुद्धा सर्किट होगा आदिवासियों के लिए हमने जगह जगह पूरे देश में आदिवासी म्यूजियम्स खोलने का किया है पहले सोन व्हील्स पहले चल रहा है दुनिया के देशों में एक एक देश में जो ताकत है वो भारत के एक राज्य का बराबरी नहीं कर सकते ये है भारत कौन से प्रदेश को आप लेना चाहेंगे उड़ीसा को लेना चाहेंगे उड़ीसा को तो छोड़ दीजिए ये तो डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर कहता है दिस लैंड हैज द कैपेसिटी टू एग्जानेट यू टू डिलीवर यू टू प्रोटेक्ट यू टू सेव यू फॉर्म ऑल दिस इनफुल रिएक्शन उड़ीसा की तो बात ही कुछ अलग है ये तो स्टेट थोड़ा ये तो ब्रह्मांड है प्रभु जगन्नाथ का बैकुंठ निवास है उड़ीसा का कहने का तो कोई विषय ही नहीं है इसलिए आप बाकी भी किसी भी स्टेट को लेंगे हिमाचल प्रदेश लीजिए उत्तरांचल लीजिए यूपी लीजिए किसी भी प्रदेश को कर्नाटक को ले लीजिए केरल को ले लीजिए शबरीमाला को ले लीजिए हर प्रदेश का अपना एक विशिष्ट सौंदर्य है केवल थोड़ा सा आवश्यकता है तो यह है कि क्लीनलीनेस कन्वीनियंस टाइम एंड थिंकिंग मॉडर्न एंड इनोवेटिव जो आएगा उसको थोड़ा आजकल ठीक से उसको प्रबंध खाने पीने का ठहरने का होना चाहिए स्वच्छता होना चाहिए सुविधा होना चाहिए मेडिकल की वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस सर्कल को ऐसे आप डेवलप करें तो अच्छा लगेगा लेकिन हम टूरिज्म को जब हम बोलते हैं तो हमको टीचर पढ़ाते थे कहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में तीन सिलेबल से बड़ा कोई शब्द नहीं होता है बाकी प्रीफिक्स है सफिक्स है इसे कर कुर के बनाते हैं या लैटिन से ले लेते हैं संस्कृत से भी तेरह हजार शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में है ऐसा बनाते हम टूअर को यू आर को तो यूअर हो गया और टी से ट्रांसेडेंस हो गया सो टूअर मीन्स अ यूअर ट्रांसेडेंस दैट इज कालातीत शब्दातीत गुणातीत वासुदेवा स्टेट सीधा सीधा उड़ीसा टूअर मीन्स अ ट्रांसेडेंटल एंगजाइटी द स्पार्कल इन द चाइल्ड्स आई डज नॉट डाई शुड नॉट डाई शुड नॉट वैनिशा हमारे देश में लोगों ने टूरिज्म किया है कहां से शुरू करें कई कह कई और वशिष्ठ ने योजना बनाकर राम को टूर टूरिज्म के लिए भेजा सारा अगर आप उनका पूरा रास्ता देखेंगे तो अयोध्या से चलकर इधर मलकानगिरी कोरापुट और कालांडी तीनों स्थानों पर गए हैं मैंने तीनों स्थान देखे हैं और फिर इधर से फिर छत्तीसगढ़ होते हुए कर्नाटक होते हुए फिर लंका की तरफ गए हैं चित्रकूट ये प्लानिंग था कैकई कह का उसका कि भारत को देखिए चलो देखें अपना देश और फिर प्रतिज्ञा करते हैं संकल्प करते हैं यही संकल्प करते हैं निश्चिरहीन करू मही भुज उठाए पण की कोई आतंकवाद को रहने नहीं देंगे स्वस्थ भारत चाहिए संपन्न भारत चाहिए सशक्त भारत चाहिए शिक्षित भारत चाहिए सुशिक्षित भारत चाहिए सुरक्षित भारत चाहिए अपराध मुक्त भारत चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए प्रदूषण मुक्त भारत चाहिए पर्यावरण युक्त भारत चाहिए स्वर्णिम भारत चाहिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए वंदनीय भारत चाहिए आतंकवाद मुक्त भारत चाहिए गरीबी मुक्त भारत चाहिए वसुधैव कुटुंब कम वाला भारत चाहिए आत्मवत सर्व भूतेषु वाला भारत चाहिए इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने पूरे देश का दौरा किया भगवान कृष्ण ने किया कोई व्हीकल गाड़ी तो नहीं था वो नरकासुर को किधर मारते हैं प्राग ज्योतिषपुर में अरुणाचल प्रदेश जिसको आज कहते हैं किस किस को नहीं मारा पांचों तत्वों को शुद्ध किया है व्योमासुर को मारा कालिया नाग कौन है कालिया नाग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गार्बेज इज पुट इन टू दर्जन ऑफ द मदर अर्थ यू सी डेली एवरी डे वट टू टाक ऑफ हैविंग एन आचमन ड्रिंकिंग वॉटर यू कांट इवन बेद फ्रॉम हरिद्वार टू बंगाल दैट इज दुजिशन ऑफ दॉटर इट इज यू सी एंड लॉर्ड कृष्णा से रसो हम ओप्स कौनते पुण्य गंधो पृथव्याम आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर आई एम ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ दिस अर्थ लेकिन पांचों तत्व तो दूषित थे लॉर्ड कृष्णा ने ठीक किया मिट्टी खाकर दिखाया कि मिट्टी खा सकते हैं अभी आजकल मुझे नहीं लगता कि खा सकते हैं लेकिन मिट्टी को खाकर दिखाया ऐसे अगर लगातार लें जगत गुरु शंकराचार्य यहां से चले केरल से पहुंच गए काश्मीर कोई वहीकल नहीं है बुद्धा चले चैतन्य महाप्रभु चले नानक चले चैत सब चले जितने भी सब लोग थे और सब ने इस प्रकार से भारत को देखने का प्रयास किया देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा आप सबने पढ़ा अच्छा लगता है पुत्र मां की खोज करने चलता है लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने के बाद भी पढ़ने के बाद भी और देखने के बाद भी भारत को वो महात्मा गांधी ने जिसे भारत को देखा था उड़िया को देखने के बाद उड़ीसा को देखने के बाद महात्मा गांधी ने अपना ड्रेस बदल लिया जैसे देखा कि देश की देवी कैसे रहती है तो मैं दो वस्त्र कैसे पहन सकता हूं महात्मा गांधी ने देश को देखा तो दो शब्दों में उसको कंसाइज किया सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रेस्ट्रां रेस्टोरेंट लेकिन अदरवाइज जो देश का प्रधानमंत्री पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे वल दे हैड टू एडमिट द ब्लंडर यू से 1962 कि हमसे गलती हो गया इसलिए भारत को देखने का है तो सबसे बड़ा टूरिस्ट तो मुझे लगता है नारद होगा किधर किधर आतंकवाद कौन कौन फैला रहा है ताकि सरकार को बता सकें सरकार तो विष्णु है कहां विष्णु को तिलोत्तमा बनना है कहां विष्णु मोहिनी बनना है कहीं अमृत का कुंभ असुर लूट कर ना ले जाए इसलिए देश के अंदर टूरिस्ट जो हैं हमारे उन्होंने दे हैव मेज द लाइफ विद द कप्स ऑफ कॉफी आर टी यू कैन से मैं भी तीन चार दिन पहले जैन मॉन्क साहब देखते होंगे सब पैदल चलते हैं। हाँ। आचार्य महाप्रज ने 52,000 किलोमीटर का यात्रा किया था और अभी आचार्य श्री महाश्रवण उन्हीं के जो उत्तराधिकारी हैं 18,000 किलोमीटर सात वर्षों में पूरा कर दिल्ली में उनका अभी 22 तारीख को कार्यक्रम था मूविंग टू एवरी नुक एंड कार्नर ऑफ माई कंट्रीज आज हमारे पास भगवान की कृपा से सब सुविधाएं हैं पैदल चलने की ऐसा कोई आवश्यकता भी नहीं है लेकिन ये तो हमको देखना ही पड़ेगा कि जिस प्रकार का भारत जिसको स्वर्णिम भारत कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा भारत बनाने के लिए टूरिज्म अपने अंदर इनहेरेंट इनडोमिटेबल अनक्वेंचेबल अनईक्वल्ड ऐसी शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए हैं बहुत कुछ कर सकते हैं दुनिया के जितने भी देश अभी तो पूरा वर्ल्ड खड़ा है जैसे खड़ा आप जानते हैं हम लोग इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर जैसे रशिया और यूक्रेन आज लड़ रहा है और पूरा विश्व को दो हिस्सों में जैसे बांट दिया है तो केवल अगर एकमात्र देश अगर कोई ठीक से खड़ा है जो आतंव सरब भूतेशु की बात कर सकता है जो वसुधैव कुटुंबों की बात कर सकता है जो श्रीराम आचार्य की आदिशक्ति के गर्व से हम सब उत्पन्न हुए हैं जो अठारह में शिकागो हाल के अंदर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका की बात को बोल सकता है जो पूरे विश्व को यह बता सकता है कि आई बिलोंग टू यू एंड यू बिलोंग टू मी वेयर एवर आई एम यू आर इन मी एंड वेयर एवर यू आर आई एम इन यू अद्वैतम अनंतम है अद्वैतम ही अनंतम है नॉन ड्यूलिस्टिक प्रूलरिस्टिक एंड क्लूसिव भारत की जो संस्कृति है सबको प्यार करो स्वीकार करो सम्मान करो ये हम टूरिज्म के माध्यम से कर सकते हैं और अगर अपने सभी स्पोर्ट्स के ऊपर हम लिख में कि हमारे टूरिज्म का तो एक ही लक्ष्य है प्रेम देवो भव तो जो भी दुनिया का देश का आदमी आएगा ही विल अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज लव And love for a human body is what? Nothing else but that. he doesn't belong to himself but to him. He can only talk of love. Who knows how to merge with the society at large, the humanity at large? Let this concluding session, valedictory function of this uh, tourism, cry hoarse, make a trumpet of prophecy. And the prophecy should be.

that this planet this tiny speck of cosmos can be converted into a conscious, pla conscious planet the matter must be ready to manifest into spirit and collaboration responsible cooperation and coexistence can compel the matter to obey the spirit well that is what i think you to you tourism ये टूरिज्म दैट विल बी डूइंग दिस बिजनेस परहैप्स एंड दैट विल बी आ डिविडेंड ए बेनिडिक्शन फॉर दी ह्यूमैनिटी एट लार्ज फॉर दी वर्ल्ड एट लार्ज बहुत बहुत प्रणाम वंदे उत्कल जननी भारत माता की